माँ कुछ खाने को है क्या? अरे क्या हुआ तुझे, ठीक तो है तू? फ्रिज में कुछ है? हाँ कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, देख ले। देखना जरा निकी, यार आ रही हूं। बंटी खाके। क्या हुआ? तीन दिन से सोई पड़ी है तू, कुछ होश है तुझे? और यहाँ पर हमारी मरने जैसी हालत हो रही है। निक, इससे अच्छा ये होता तू हमें जहर दे देती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते, फिर जो जी में आए करती। अरे अब क्या हो गया? सब क्या बोल रहे तेरे बारे में कि तू लड़कियों के साथ? क्या क्या? तू आराम कर ले, कल मेहमान आ रहे हैं घर पे। अरे माँ सुनो, बंटी कहाँ है? बंटी कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूं बंटी कहाँ है?
तीन दिन से मरी पड़ी थी तू। डॉक्टर ने बोला बहुत सारी दवाइयाँ खा गई तू। तुझे पता है तेरी ये प्रॉब्लम ना रॉकी जैसे बॉयफ्रेंड से ही सही हो। खुद जानती साले में खुद तेज मारा यार। दर्द हो रहा है ज्यादा? मर्द हूँ मैं। पांच फुट का मर्द। वैसे एक बात बता, तूने उसको मारा क्यों? तुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी रोशनी, उसने ना मुझे एक बात बोली थी। वो जिसके चक्कर में तूने अपने हाथ पे ब्लेड मारा था? हाँ थी तो वो कमी नहीं, पर उसने एक बार मुझे कहा था कि तेरी बहन ना तुझसे बहुत प्यार करती है। तुझे पता है नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, पर एक चीज नहीं, मेरे सामने अगर तुझे कोई गाली देना तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। सुन तू कल कहीं नहीं जा रही, तुझे गेस्ट मिलने आ रहे हैं। क्या? कौन और क्यों? कोई रास्ता छोड़ा है तूने? ये तुम क्या कह रही हो माँ, पागल हो रही हो क्या? सुन मैंने पूछा नहीं है, बताया है। बंटी बेटा नमकीन बिस्किट ले आ जरा सामने नरेश की दुकान से।
Thank you.